नमस्ते, मेरा नाम राजगोपाल होता और आज एक और मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है आई फाउंड द मोस्ट यूजलेस लाइफ हैक्स एंड एक्चुअली ट्राइड देम। ये ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से एक और नया वीडियो आया लाइफ हैक्स के ऊपर, तो देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। रिएक्शन शुरू करेंगे, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके पहले ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो देखो फिर मेरा रिएक्शन वीडियो देखो, ठीक है? तो स्टार्ट पढ़ ला, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। ठहरो, क्या आप भी अपने माथे पर अपना चश्मा नहीं टिका पा रहे हैं? क्या इस बात से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं? मच 5 मिनट क्राफ्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं ये कमाल का लाइफ हैक। थैंक यू भगवान। भाई हेयर स्टाइल मस्त है। क्या वर्क भाई, ये क्या बना हुआ है? कार्टून नेटवर्क। अरे वो मैं चश्मा माथे पे टिकाना था ना। अरे लगता है कि तू वीडियो देख देख के ना तेरे दिमाग में दही जम गया। गोबर होता है पापा, वो घर में कुंडिया खत्म हो गई। गोबर नहीं, दही जम गया है भाई। देख, तूने कभी देखा है कि एक बंदा चश्मा अपने माथे पे, सर पे तो सुना था, सर पे तो टिक जाता है, पर माथे पे टिकता हुआ कभी देखा है चश्मा? ये है खराब हो गया दिमाग, इतने हैक्स यूज कर करके ना। ये देखिए शर्ट है ना, इसको भी टांग लेते हैं माथे पे। नो नो नो, वाह 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 वाह। क्या क्या बोलते हैं एंड में? इट डजंट वर्क। But why is his book covered in ketchup? He uses ketchup as a bookmark. But nobody else will want to touch his book after he's done. It's a win-win. तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैंने जिंदगी में कई बेवकूफ नमूने कार्टून देखे हैं, लेकिन ऐसे हैक्स बनाने वाले ब्रेंडर लोग कभी नहीं देखे यार। कौन से लेवल के नशे करे होंगे इन्होंने? पहले तो केचप यूज करा भुकमा की जगह, उससे भूख तो पूरी खराब करी, उसके बाद पूरे शरीर पे केचप उड़ा के भाई बंदा थम्स अप का साइन दे रहा है। इट वर्क्स बोल रहा है हमें। इट वर्क्स, डज दिस वर्क? आर यू किडिंग मी? हाउ डेयर ही गिव मी दैट थम्स अप वाला साइन? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? आज से 6 महीने पहले जब मैंने हैक्स पे वीडियोस बनानी शुरू करी थी ना, तब मुझे बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती थी, जिसमें से कोई एक आध वीडियो में कोई एक आध हैक ऐसा मिल जाता था जिसको मैं अपनी वीडियो में यूज कर सकता था। लेकिन आज के टाइम पे मैं कोई भी वीडियो खोलता हूँ, ये हैक्स वाली, ये ट्रूम ट्रूम 5 मिनट क्राफ्ट, क्राफ्टी पांडा और ये ऐसे जितने भी है, कोई भी इनकी वीडियो उठा लो, कंटेंट ही कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो देखो, एक लड़का और एक लड़की जो है वो ट्रैकिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से लड़के के लेसेस टूट गए हैं। ओहो, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या आन पड़ी है। लेकिन लड़की ने एक चाकू से अपने खुद के बाल काट दिए हैं यहाँ पे। वाओ, एंड अब ये कटे हुए बालों के जो है इन्होंने चाय करके लेसेस बना लिए है, एंड अब इन्होंने ये लेसेस बांध लिए हैं। जोरदार तालियां बनती है इनके लिए यार। मेरे को अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऐसा प्यार करने वाली चाहिए जो मेरे लेसेस टूटने पर एक सेकंड में अपने बाल काट दे। हालांकि इसकी कोई जरूरत ही थी। एक मिनट यार, इसका हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है कसम से यार। अगर तुम जूते को ध्यान से देखो तो उसमें सिर्फ टॉप वाला जो वो है वो लेस टूटा है, नीचे वाले लेसेस को वो आराम से निकाल के उसको ऊपर बांध के अपने जूते को टाई कर सकते थे, बट नहीं, सच्चा प्यार दिखाना था ना। सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता। तो एक दिन आप ऐसे अपने बाथरूम में टहल रहे हो और आपसे आपका फोन कमोट में गिर जाए। आप नूब हो क्या? प्रो होते तो आपने अपने कमोट के ऊपर ऐसा मस्त प्रोटेक्टिव लेयर लगा रखी होती जिससे आपका फोन कमोट के अंदर नहीं गिरता, लेकिन डिड नॉट डू दैट। तो आपने करना क्या था, एक प्लास्टिक शीट लेनी थी, उस पे ऐसा ये सर्कुलर वाला ये जो भी रिंग है ये लगानी थी और इसको अपनी कमोट पे ग्लू कर लेना था। और इसके बाद अगर बाय चांस आपका फोन नीचे गिर भी जाएगा तो वो कमोट में नहीं जाएगा ना, क्योंकि आपने एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा रखी है। वो बात अलग है कि जब आप पॉटी करने बैठेंगे तो आप पॉटी कैसे कर, नहीं, वो होल बीच में जो इतना छोटा सा होल है ना, वो इसीलिए दिया है ताकि आप एंटा लगा के एकदम निशाना साधना है आपने, ठीक है? अब आज के बाद आपका फोन बचा रहेगा, लेकिन पॉटी करते हुए आपको थोड़ा सा यू नो निशाना लगा के। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये कहाँ से उठाकर लाए हो ये हैक यार? मतलब इससे बढ़िया तो मैं वो अमेरिकन सीट पे ना इंडियन स्टाइल में बैठ के पॉटी कर लूं। ऐसे लेकिन व्हाट,
ये पॉडी वाला हैक भी तुम्हें इतना वियर्ड नहीं लगा? अरे डो वरी यार, ये अगला वाला हैक देख के तुम क्रिंच के मारे डेफिनेटली मर जाओगे। तो एक दिन आप बीच पर गए और आपने रियलाइज करा कि ओहो, मैंने अपने बगलों के बाल तो शेव ही नहीं करे, और आपकी दोस्त आपको बताती है कि आए हाय तेरे बगलों के बाल कितने भेड़े लग रहे हैं, और वो कहती है अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब तो बीच पर आ गई हूँ, अब तो इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी दोस्त वो लॉलीपॉप, वो कैंडी जो वो चूस रही थी, उसको आपके बगलों पर डाल के उससे आपके बगलों के बाल वैक्स कर देती है। मैंने बहुत सारे बुरे बुरे हैक्स देखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा घटिया, वाहियात, क्रिंजी, सब स्टैंडर्ड, इनएडिक्वेट, अनसैटिस्फैक्टरी, सेकंड क्लास, थर्ड रेटेड, इनफीरियर, पुअर, अनफॉर्चुनेट, अनफेवरेबल, अनलकी, एडवर्स, नास्टी, टेरिबल, ड्रेडफुल, ऑफुल, ग्रिम, डिस्ट्रेसिंग, रिग्रेटेबल, चैलेंज। अरे फट गई है उसकी, चैलेंज दीमक है ये जज साहब, चाट गए सारे। YouTube इतनी बेसब्री, बेकरारी, बेकाबू, बेइंतहाई किस बात की है यार? ठीक है तुम्हें बीच पे रियलाइज हुआ कि तुम्हारी बगलों के बाल बढ़ रखे हैं, तो अपनी बाजुओं को नीचे करके चल लो ना, जरूरी थोड़ी ना कि बाजू ऐसे हवा में करके चलना है, घर जाके कर सकते हैं हम शेव। लेकिन नहीं, हम तो भाई जो लॉलीपॉप चूस रहे हैं उसी को अपनी बगलों के नीचे लगा के उसी से वैक्स कर देंगे, इस लॉजिक के हिसाब से। तो ये हग्गू है, इस पे थोड़ी सी थूक लगा लो, इसको यहाँ पे रखो और इसको भी खींच दो, तो इससे भी वैक्स हो जाएगी। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस संभाल नहीं पाते? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब एसी का रिमोट चाहिए होता है तो एसी का रिमोट नहीं मिलता, जब मोबाइल चाहिए होता है तो मोबाइल नहीं मिलता, जब टीवी का रिमोट चाहिए होता है तो टीवी का रिमोट नहीं मिलता? तो घबराइए मत, लाइफ हैक्स वाले लाए हैं आपके लिए कमाल का लाइफ हैक। देखिए, बस एक वेलक्रो बैंड लीजिए और उस वेलक्रो बैंड पे अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चिपका लीजिए। इसके बाद ये वाले बैंड को अपने सर पे बांध लीजिए और अब ये बैंड पहन के हर जगह घूमिए। अब आप कोई भी चीज घुमा ही नहीं पाएंगे क्योंकि सारी चीजें तो आपके सर पे चिपकी होंगी, आपका फोन, आपका एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट और ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सारे अपने सर पे चिपका लीजिए। ये वाला लाइफ हैक डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि इसके साथ आप बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार और अजीब लगेंगे, लोग आप पे हंसेंगे क्योंकि आप एलियन जैसे दिख रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ आपके सर पे चिपका होगा, बट एटलीस्ट यार समय पड़ने पर आपके पास हर चीज तो होगी। जब कॉल बजेगा तो अपने माथे से फोन को हटा के कॉल सुन लीजिएगा, उसके बाद उसको वापस अपने सर पे चिपका लीजिएगा, उसके बाद जब एसी ऑन करना होगा तो एसी का रिमोट उतार के एसी ऑन करना और वापस अपने सर पे चिपका लेना। यार लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी जब सब कुछ तुम्हारे सर पे चिपका होगा। बहुत ही सुहाना दिन, और आप अपना फोन पकड़ के इंस्टाग्राम के लिए फोटोज खींच रहे थे, एंड तभी आपने रियलाइज करा कि ओहो, आपके दांत तो बहुत ही ज्यादा पीले दिख रहे हैं फोटोज में, तो अब आप क्या करेंगे, पीले दांत का क्या इलाज होगा? अरे घबराइए मत, आपने क्या करना है, बस लेज का एक पैकेट लेना है और लेज के पैकेट के ऊपर वो जो स्माइल वाली फोटो होती है ना, बस उसको काट के अपने मुंह के अंदर डाल लेना है। अरे मैजिक, मिरेकल की बत्ती सी एकदम जगमगाने लगी, बिल्कुल वो हैप्पीडेंट व्हाइट वाली एड की तरह। आप इंस्टाग्राम पे जितनी मर्जी फोटोज खींच के डालिए, किसी को पता कैसे चल सकता है यार कितना रियल लग रहा है? मतलब आपने अपने मुंह के अंदर लेज का वो प्लास्टिक वाला जो रैपर होता है उसको कट करके रखा, पता ही नहीं चल रहा, एकदम रियल लग रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि हम तो गधे हैं। पर ये हैक सही है, खासकर पीले दांत वालों के लिए। ये क्या है? क्या मुंह करता रहता है? एक तू दे, तुम ले। अभी तक तो ठीक था, एकदम से गूंगा कैसे हो गया ये? अबे मेरे दांत गोरे हो गए हैं, दिखा रहा हूँ तुम्हें। हैक करते करते ना कसम से वो हो गया, तू ऋतिक रोशन, बॉर्नविटा पिलाओ। मम्मी जाओ यार, बड़ा करो इसे यार, कभी दांतों में क्या डाल देता है, कभी बड़ा होने की बजाय छोटा लगा लेता है यार। मम्मी हैक वैक करने के चक्कर में ना पगला मत जाना, मेरा अच्छा खासा बेटा। अबे मेरे को नहीं जाना, हो चुका है। पूरे दिन लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठे रहने से आपकी आंखें खराब होने लग गई है? क्या आपको स्क्रीन पे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लग गया है? क्या आपकी आंखों में इचिंग हो रही है? घबराइए मत, लाइफ हैक्स वाले हैं ना आपकी जिंदगी बचाने के लिए। अब एक आसान सा सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डाल ले, लेकिन वो नॉर्मीज के लिए है, एंड हम है यहाँ पे डैंक लोग यार। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक हैक लगाएंगे। तो हम सबसे पहले अपने चश्मे के अंदर होल कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमने लेने हैं, इंग्लिश में इसको हम सक्शन कप कहते हैं, हिंदी पंजाबी में हम इसको चेप्पी कहते हैं। तो अब ये चेप्पी वाली चीज लेनी है, इसके अंदर हमने होल करना है और वो चश्मे वाले होल के ऊपर इस चेप्पी वाले होल को एग्जैक्ट एडजस्ट करके ग्लू कर देना है, और ये हमारा कमाल का औजार है तैयार। अब आप इसको लगाइए चश्मे को, और फिर उसके बाद उस सक्शन कप वाले होल के थ्रू आप अपनी आई ड्रॉप को डालिए, जो चश्मे वाले होल के थ्रू होते हुए सीधा आपकी आंख में आ जाएगा, और इसी के साथ आपकी लाइफ हो गई है हैक। दी ओनली इशू इज कि मेरा चश्मा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेरे को दो होल करने पड़ेंगे और उसके ऊपर दो सक्शन कप्स भी लगाने पड़ेंगे, और जब मैं वो पहन के घूमूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे भी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लोग तुम पर हंसे उससे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम तुम्हारी आंखें तो सेफ रहेंगी ना। चल चूट। आई
ड्रॉप तो मैं फिर एक दो बारी में डाल ही लूंगा आंख में, अपना चश्मा थोड़ी ना खराब कर दूंगा मैं इस 2 कौड़ी के हैक के लिए। 2 रुपीज पीपल में 2 रुपीज हैक। Jake forgot his house keys, but he remembered about a simple life hack. Put chewing gum into the lock and let it harden inside. The gum hardened and took on the shape of the key. Now just turn the gum key in the lock. It worked! Jake can go in. What? What? What the? ये कैसे हो सकता है च्युइंग गम को चबा के थूकने के बाद भी वो वैसी ही रहती है, वो की होल के अंदर इतनी हार्ड सॉलिड नहीं हो जाएगी कि वो चाबी की शेप ले लेगी? यार यहाँ तो ये लोग बहुत ही बड़े वाले मूर्ख हैं और हमें मूर्ख समझते हैं, या फिर ये इतने बड़े वाले जीनियस है दैट दे हैव क्रैक्ड द कोड। यार एक काम करो, ये वाला हैक मैं तो ट्राई नहीं कर रहा, क्योंकि जो दरवाजे पे च्युइंग गम चिपकी रह जाएगी मेरे घर पे मेरी सुताई हो जाएगी। तुम लोग ट्राई करना और मुझको बताना कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे इफ इट एक्चुअली वर्क्ड। आई आल्सो वांट टू नो इफ इट विल वर्क। बड़ा हरामी हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे यार इतना इमोशनल म्यूजिक। भाई वीडियो खत्म। इट वर्क्स, मतलब अच्छा लगा वीडियो, बहुत अच्छा था, अमेजिंग, ऑसम एज यूजुअल, एंटरटेनिंग वीडियो, बहुत मजा आ गया यार हमेशा की तरह। चाहे स्क्रिप्ट ले लो, डायलॉग्स ले लो, एक्सप्रेशन ले लो, भाई इसकी एडिटिंग ले लो, वीडियो ले लो, और सब चीज अच्छा लगा मुझे बहुत। ट्रिगर्ड इंसान, यू आर ऑसम, बहुत अच्छा लगा यार ये वीडियो देख के, इंटरेस्टिंग था यार। पता नहीं कहां कहां से ऐसे हैक ये ढूंढ के लाता, मुझे भी जानना है यार। पहले भी कई हैक देख के भाई बहुत अजीब सा लगता है यार। इससे तो भाई बेकार तो वही लोग है हैकर लोग, भाई लाइफ में कुछ भी हैक करना चलो करते हैं हैक करके। स्पेशली वो चश्मा वाला और वो टॉयलेट वाला और ये लास्ट में जो एक था भाई साहब सीरियस, वो सूलेस वाला तो भाई अलग लेवल में। अगर इंडिया में कोई लड़की अपने बाल काटने के लिए बोलो ना भाई प्लीज बेबी काट दो, वो तो भाई हमें काट देगी जिंदगी में यार। सीरियसली क्या वीडियो है ये भाई साहब, मुझे भाई साहब अजीब लगा। सारे हैक बेकार पर ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो बहुत मस्त है भाई। मैंने तो लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आप लोगों को भी रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना रिएक्शन अच्छा लगा कि नहीं लगा और किसमें और बनाना चाहिए रिएक्शन वीडियो। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। तो मिलते हैं फिर GTA 5 के गेम प्ले वीडियो के साथ, एक और गेम प्ले वीडियो बनाएंगे। तो तब तक ले टाटा बाय बाय।